दोस्तों आज मैं आप लोग को भुट्टे की रेसिपी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने 5 से 6 भुट्टे ले लिया है और इसके दाने को मैंने उतार लिया है। अब अलग किए गए दानों को पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे दोस्तों और मिक्सी में इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तवे में 2 चम्मच तेल लेकर गरम कर लेंगे और भुट्टे की लोई को तवे में रख लेंगे। अब लोई को हाथों से गोल आकार बनाकर तवे में अच्छी तरह से फैला देंगे दोस्तों। काफ़ी क्रिस्पी बनता है ये रेसिपी, तो दोस्त आप लोग घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये गोल शेप में बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों इसका कलर चेंज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों काफ़ी प्यारा कलर आ चुका है और इसे दूसरी ओर पलट देंगे और दूसरी तरफ से पकने के लिए छोड़ देंगे। धीरे धीरे इसे तवे के चारों ओर घुमा देंगे ताकि तेल पूरी तरीके से इसमें मिल जाए। अब दोनों तरफ से इसे पका लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आप इसे टमाटर या धनिया की चटनी के साथ से सर्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और ही अच्छी रेसिपी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी भी इसे प्रेस कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।